अगर आप लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। आज की क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड यानी CCC का पार्ट 9 करेंगे। इसके अंदर हमें 3 से ज़्यादा ऑथर दिए हुए हैं और एक एडिटर दिया है और 2 ट्रांसलेटर दिए हुए हैं और इसके साथ हमें नोट भी दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, यूथ ग्रोथ चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। ऐसी ही वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और शेयर करना नहीं भूलें। नमस्कार दोस्तों, यूथ ग्रोथ फैमिली में आज आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 4 ऑथर दिए हुए हैं और उसकी एंट्री कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। हम की एंट्री, ये हमें टाइटल दिया हुआ है और ये हमें यहाँ पर 4 ऑथर दिए हुए हैं, ठीक है। और ये हमें यहाँ पर एडिटर दिए नीचे SS जॉर्न, और ये हमें ट्रांसलेटर दिए हुए 2 दिए हुए हैं, और ये हमें यहाँ पर इसका पब्लिशर दिया हुआ है कहाँ से पब्लिश हुई थी, और ये इसकी डेट दी हुई है। ये हमारे यहाँ पर कॉल नंबर दिया हुआ है यहाँ तक, और ये बुक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे ये एक्सेस नंबर दिया हुआ है 8961, और नीचे नोट दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लें। और क्योंकि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। और अब हम इसकी मेन एंट्री बनाते हैं, तो चलिए मेन एंट्री भी चलते हैं। ये मेन एंट्री हो गई, सबसे पहले हमने ऊपर लिखा मेन एंट्री, और उसके बाद हमें यहाँ पर ये कॉल नंबर लिखना होता है, पेंसिल से आता है हर बार। मैंने पहले की वीडियो में बताया है, वो नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो देखने के बाद में ये आसानी से समझ में आ जाएगी। और ये यहाँ से स्टार्ट करना है सेकंड लाइन से, और ये पेंसिल से आएगा, सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है और ऊपर से फर्स्ट लाइन में, और ये हमारे यहाँ पर बुक नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये बुक नंबर है N92, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बताया भी था मैंने, ये हमारे यहाँ पर टाइटल सॉरी उत्तर हो जाएंगे। उत्तर 4 से 4 उत्तर दिए हुए हैं तो ये ऐसा है, यानी 2 से ज़्यादा उत्तर दिए होते हैं तो अदर्स आ जाएगा एंड अदर्स। सरनेम को फोन नेम लिखा, फोन नेम को सरनेम हमने लिख दिया, पहले वाले नेम को बाद में लिख दिया और बाद वाले नेम को पहले लिख दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो पहले उत्तर दिया वही लिखना होता है, ठीक है। ये एंड्रयू सेट प्रिंग, क्या नाम है, प्रिंगल पैटिसन, ये ठीक है। और ये हमारे ये लिख करके और यहाँ पर अदर अदर्स आ जाएगा, ठीक है। ये उत्तर आने के बाद में अदर्स लिख दिया, उसके बाद में डॉट आ जाएगा, और ये हमारे यहाँ पर नीचे टाइटल आ जाएगा। टाइटल दिया हुआ है टोबैको हैबिट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया, और एडिशन दिया हुआ है एडिशन 4 आ जाएगा ये, और एडिशन किसने किया बाय SS जॉन, और ट्रांसलेटर दिया हुआ वो आ जाएगा ट्रांसलेटर TR बाय जॉन मैकेनो, जो भी दिया है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जो भी दिया उसमें, जैसे ट्रांसलेटर हो गया, एडिटर हो गया, या इलस्ट्रेटर, जो भी होता है वो मेन एंट्री के अंदर आ जाता है। कहने की बात यही है हमें, ठीक है। हमारे यहाँ पर TR लिखा, .TR बाय जो वो था वो आ जाएगा। यहाँ पर फुल नेम लिखना है, ये सरनेम फोर नेम वाला यहाँ पर नहीं लिखना है। और नीचे हमारा यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलो पहले ये देखिए हमारा ये हमारे यहाँ पर एडिटर दिया हुआ है, और ये हमारे यहाँ पर ट्रांसलेटर दिए हुए, 2 ट्रांसलेटर दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ सॉरी ये कि ट्रांसलेटर दिया हुआ है, माफ़ी चाहता हूँ मैं। प्रिंटिस बुक ऑफ सोशल पैथोलॉजी जो नोट के अंदर दिया हुआ वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा, और एडिटर आ जाएगा हमारे यहाँ पर भाई HM ऑक्सली दिया हुआ है, वो यहाँ पर आ जाएगा, जो ये देखिए नीचे दिया हुआ है ये यहाँ पर आ जाएगा मेन एंट्री के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में नीचे एक्सेस नंबर आ जाएगा, ये देखिए ये जो 9th है ना, ये एडिटर वो नोट के अंदर दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और ये फर्स्ट लाइन में पूरा ना आए, सॉरी थर्ड लाइन में पूरा ना आए तो सेकंड लाइन में भी लिखना है, ठीक है नीचे। और ये नीचे एक्सेस नंबर हो जाएगा, ये हमारा ये होल है, जो मैंने इसमें कलर किया ना ये होल है। और अब इसके अंदर बनाते हैं हम चैन प्रोसीजर, ये चैन प्रोसीजर होता है जो कॉल नंबर होता है ना उसका चैन प्रोसीजर बनाते हैं, मतलब ये कैसे बना हमारा ये चैन बाय चैन कैसे बना है। सबसे पहले वाई और नीचे ये 5142.4 ये सब नीचे, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ, और पहले की वीडियो में बता हुआ ये 1 ये Y1 हो गया, ये 5 इधर आ गया और 4 इधर आ गया और 4 इधर आ गया, ऐसे चलते रहते नीचे तक, ठीक है।
वाई कसोसोलॉजी होती है और ये साउथ लीक होती है। ये कोलन क्लासिफिकेशन की बुक में हमें मिलता है और वहाँ से पता चलता है ये चैन प्रोसीजर कैसे बनता है। जैसे वन बाई वन नंबर बनाते हैं ना, ये हमारा वाई साइकोलॉजी साउथ लिंक हो गया। ये वाई वन बाई एज एंड सेक्स अनसाउथ लिंक होता है, यानी यूजर इनसे इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकता। जिससे यूजर इन्फॉर्मेशन मांग सकता है वो साउथ लिंक होता है। कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक में हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है। और ये वाई फिफ्टीन होता है वुमेन, ये साउथ लिंक होता है। मैंने पहले की वीडियो में ये थोड़ी सी डिटेल में बताया था और आगे मैं ये कॉलन क्लासिफिकेशन की पूरी बुक होने के बाद में उसके बाद में इसके बारे में चैन प्रोसेस की पूरी डिटेल से वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। जो यूज़र इन्फॉर्मेशन मांग सकता है वही हम साउथ लिंक के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और ये वुमेन साउथ लिंक हो गया, वाई वन फाइव वुमेन का हो गया और वाई वन फाइव कॉलन फ्रेश लिंक होता है। इससे यूज़र इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकता, ठीक है। ये फ्रेश लिंक है, ये देखिए ये कॉलन, इसी यूज़र इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकता। उसके बाद में यहाँ आता है ये वाई कॉलन फोर साउथ लिंक होता है, ये वाई वन फाइव कॉलन फोर साउथ लिंक होता है। उसके बाद में फोर वन होता है अनसाउथ लिंक होता है, ठीक है। उसके बाद में कॉलन फोर वन टू होता है टबेको एबेट्स, ये साउथ लिंक होता है। इससे यूज़र इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। जी चैन प्रोसीजर की जितनी भी आपको समझ में नहीं आती है तो इसकी एक वीडियो लास्ट में बना दूंगा कॉलन क्लासिफिकेशन की वीडियो के बाद में। और ये हमारा फ्लैश लिंक होता है और ये अनसाउथ लिंक होता है और ये इंडिया साउथ लिंक होता है। इसमें फ्लैश लिंक होता है जो इससे यूज़र इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकता और अनसाउथ लिंक भी ऐसे ही होता है। अब जो हमने लिखा है ये फर्स्ट और ये सेकंड, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, जो साउथ लिंक लिखा उसको नंबर देते चलेंगे, वन टू थ्री फोर और फाइव। और जैसे भी हमने नंबर लिखा है वन टू थ्री फोर, वैसे ही हम नीचे की तरफ इसको लिख देंगे, ठीक है। सेम वैसे लिख देंगे जो साउथ लिंक होता है वो, ठीक है। और इसको हम इंडिया लिख के और इसको टोबैको और ये अनसाउथ लिंक इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना है और इसको वुमेन लिखना है और साइकोलॉजी लिखना है, सॉरी साइकोलॉजी लिखना है। ये इंडिया लिखा, उसके बाद में जो नंबर दो पे लिखा है वो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी चार नंबर वाला यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर तीन नंबर वाला जाएगा, यहाँ पर दो नंबर वाला जाएगा और यहाँ पर एक नंबर वाला जाएगा, जो ऊपर रहता आ जाएगा, ये वन नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये फाइव हो गया, ये फोर हो गया, ये थ्री हो गया, ये टू हो गया, ये वन हो गया, ठीक है। ये जो नंबर लिखा था मैं इंडिया कोमा एशिया टबेको हैबिट्स लिखे, यहाँ पर ये सोशल पैथोलॉजी आ जाएगा, यहाँ पर सोशल पैथोलॉजी कोमा वुमेन आ जाएगा, वुमेन के आगे सोशोलॉजी आ जाएगा, सोशोलॉजी अकेला तो अकेला सोशोलॉजी आ जाएगा, सॉरी सोशोलॉजी निकल रहा है, ये साइकोलॉजी है। ये फाइव फोर हो गया, ये फाइव फोर हो गया और ये हमारा यहाँ पर फोर थ्री हो गया और ये फोर हो गया टोबैको हैबिट्स, और उसके बाद में ये सोशल वाला यहाँ पर आ गया और ये हमारे यहाँ पर थ्री टू हो गया, ठीक है। और नीचे ये वुमेन साइकोलॉजी टू वन वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारा ये आ जाएगा साइकोलॉजी वन वाला अकेला बच्चा है वो आ जाएगा, ठीक है। साइकोलॉजी अकेला था वो यहाँ पर आ गया। अब हम इसकी नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं ट्रेसिंग कार्ड। जो भी हमने फाइव लिखे थे ना वो साउथ लिंक पड़े, फाइव फोर थ्री टू वन, वो हमारे यहाँ पर लिख देना है। जो नंबर वाइज लिखे थे वो नीचे से ऊपर, तो अब हम नीचे से ऊपर की तरफ वैसे ही लिख देंगे। हम इस चैन प्रोसीजर के अंदर हमने आपको बताया नहीं था, वैसे हम लिखना है। जैसे फाइव फोर, तो नीचे बताया था मैंने आपको फाइव फोर थ्री टू वन, आप समझ रहे हो। आपको ट्रेसिंग कार्ड के अंदर हाफ पार्ट के अंदर राइट साइड के अंदर लिखना है, लेफ्ट साइड के अंदर नहीं लिखना है। आप सोच रहे हैं ये सफ़ेद क्यों छोड़ रहा है, ये हाफ साइड में लिखा जाता है, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पर जो ऑथर दिए हुए हैं वो ये ऑथर आ जाएंगे, जैसे ही हमने मेन एंट्री के अंदर बनाया था सेम वैसा ही लिख देना है ऑथर वाली लाइन, और नीचे एडिटर वाली जो लाइन बनाई थी वैसी सेम लिख देनी, सरनेम को फोन नेम लिखना, फोन नेम को सरनेम लिखना है, ठीक है। और वैसे ही हमें ये एंट्री ट्रांसलेटर की बना देनी है।
और उसके बाद में हमें ये सीरीज के अंदर जो टाइटल दिया है वो हमें यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद में सीरीज के अंदर जो एडिटर दिया है उसको लिखना, सरनेम को फोर नेम लिखना और फोर नेम को सरनेम लिखना है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कहाँ पर है ये और कैसे इसको लिखा। ये हमारा यहाँ पर टाइटल हो गया, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर ऑथर हो गए, और ये यहाँ पर एडिटर हो गया हमारा, और ये हमारे यहाँ पर ट्रांसलेटर हो गया, और ये जो भी हमें मतलब मैं निशान लगा रहा हूँ वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। ये हमारे यहाँ पर कॉल नंबर हो गए, सभी ये 500 लिखने होते हैं वहाँ पर, और सेस नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, और एडिटर दिया हुआ है और यहाँ पर टाइटल दिया है वो लिखना होता है, ये ट्रेसी के अंदर लिखना होता है, जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर दिया होता है वो लगभग 99% सब आ जाता है। और सबसे पहले जो हमने चैन प्रोसेस के अंदर नंबर 1 लिखा था वो यहाँ पर आ जाएगा, और नंबर 2 लिखा वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कैपिटल में लिखना है ये। सबसे पहले इंडिया टोबैको एबिट लिखा था वो लिख दिया, कैपिटल में आएगा, और नीचे ये लाइन बताई थी 5-4 वाला लिखा ना वो यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारे 4-3 वाला जाएगा, 4-3 बताया था मैंने, और यहाँ पर ये जो लाइन बताई थी 4 डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इस सब डिवीजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर, ये सेम लिख देना, और हमारे यहाँ पर कॉल नंबर लिख देना है। ये हर वीडियो में मैंने बताया था कि इसको याद कर लीजिए, और अगर आप इसको पूरा नहीं लिख पाते तो 4 डॉक्यूमेंट्स लिख करके और लास्ट का डैश डैश करके क्लास नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है, और नीचे ये क्लास इंडेक्स एंट्री 2 ऐसे ही बन जाएगी जो ऊपर बनाई थी, ये इसको लिख करके डैश डैश कर देना है आपको, और एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको आता है लेकिन समय की कमी के कारण आपने इसको ऐसे लिखा है। और उसके बाद में क्लास इंडेक्स एंट्री 3 बनाएंगे, जो 3 नंबर पे लिखा था वो हमारे यहाँ पर लिख देना है, 3 और 2 नंबर पे लिखा था ना जो मैंने आपको चैन प्रोसीजर के अंदर बताया था वो ही लिख देना है, और यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट वो जो लाइन बताई थी वो याद करने के लिए वो यहाँ पर लिख देनी है, और ये हमारे यहाँ पर कॉल नंबर आ जाएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का ये फ़ायदा है तो अभी हम नई वीडियो लेकर आने वाले हैं वो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त हो जाएगी, ये बिल्कुल फ्री है। और हमें यहाँ पर क्लास इंडेक्स एंट्री 4 बनाते हैं, तो 4-1-4 के अंदर ये 2-1 लिखा था जो चैन प्रोसेसर के अंदर वो हमें यहाँ पर लिख देना है, और ये हमारे यहाँ पर वो कैपिटल में आएगा, और ये यहाँ पर पूरा लिखने के बाद में 4 डॉक्यूमेंट वाली और कॉल नंबर लिखने के बाद में हम इसकी क्लास इंडेक्स एंट्री नेक्स्ट बनाते हैं, 5 नंबर पे लिखा था वो हमें यहाँ पर लिख देना है सोशलो साइकोलॉजी, और ये कैपिटल में आएगा, मैंने पहले भी बताया था इस वीडियो में बताया, और पहले वाली वीडियो में के अंदर भी बताया था, और वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लें। ये हमें यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट लिखने के बाद में हमें ये कॉल नंबर लिख देना है, स्टेटमेंट पूरे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि समय की बहुत कमी रहती है, और ये हमें चैन पोजिशन के अंदर जो हमने बताया था वो नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, और ये कॉल नंबर पूरा नहीं लिखना होता, जो संख्या लिख रहे हैं हम उसके सामने वाला जो कॉल नंबर होता है वो लिखना होता है। और हमें यहाँ पर आप ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री बनाते हैं, ये 4 ऑथर दिए हैं तो हमें 4 ऑथर लिखने की जरूरत नहीं है, एक ऑथर लिखना है, और पहला ऑथर है कैपिटल के अंदर, ये कैपिटल के अंदर लिखा, और सर नेम को फोर नेम लिखा, फोर नेम को सर नेम लिखा, यानी पहले वाले नेम को बाद में लिखा और बाद वाले नेम को पहले लिखा, और ये एंड अदर्स लिख के ख़त्म कर देना हमें, और हमें यहाँ पर टाइटल लिख देना, और एडिटर ये कौन सा दिए हुए 4 दिए वो लिख देना है, और ये नीचे हमारे यहाँ पर कॉल नंबर आ जाएगा, और ये पूरा कैपिटल में आएगा, सॉरी पूरा लिखना होगा कॉल नंबर। अगर आपकी कोई सुझाव और राय हो तो वीडियो को के अंत में आप कमेंट कर सकते हैं, और ये हमें यहाँ पर एडिटर बुक इंडेक्स एंट्री बनाते हैं, तो एडिटर दिया है वो हमें यहाँ पर लिख देना, सरनेम को फोर नेम को सरनेम, और कोमा ED लिख करके डॉट लगा देना है, और जो हमें यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है और यहाँ पर राइटर दिया हुआ है वो राइटर आ जाएगा, और आगे टाइटल आ जाएगा, उसके बाद में डॉट एडिशन जो एडिशन दिया वो आ जाएगा, और ये एक तरह की ट्रिक है, ये हमें यहाँ पर एड लिख देना है, और हमें यहाँ पर कॉल नंबर है वो पूरा आ जाएगा, ठीक है। और अब हम इसकी ट्रांसलेटर की एंट्री बनाते हैं, जो भी हमें दिया उसकी ट्रांसलेटर की एंट्री बना देते हैं, तभी हमें एंट्री ट्रांसलेटर की बनाते हैं, सरनेम को फोर नेम लिखा और फोर नेम को सरनेम लिखा, और कोमा TR यानी ट्रांसलेटर आ जाएगा, और लास्ट में डॉट आ जाएगा, और हमें यहाँ पर ये
राइटर लिखना है, चार और राइटर है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और राइटर आ जाएगा और हमें यहाँ पर कॉल नंबर आ जाएगा। अब हम इसकी सीरीज बुक इंडेक्स एंट्री बनाते हैं जो मैंने आपको टेस्टिंग के अंदर बताया था, और ये हमारे यहाँ पर कैपिटल में आएगा। तो सीरीज के अंदर टाइटल है वो कैपिटल के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद में हमें ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जो टाइटल दिया हुआ ना ये पूरा आ जाएगा, और ये एडिशन दिया हुआ है 9th, ये भी आ जाएगा, और एडिटर है वो हमें उसकी एंट्री अलग से बनानी पड़ेगी। ठीक है, एडिटर की एंट्री ये हमें यहाँ पर टाइटल लिख दिया। चलो सॉरी वह रह गई थी ना एक, वो बना देते हैं पहले। ये हमें यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करना है, टो टाइटल है जो सीरीज का वो लिखना है, और ये हमें यहाँ पर टाइटल लिख देना है, और ये एडिशन दिया हुआ है वो लिख देना, और ये हमें यहाँ पर कॉल नंबर लिख देना जो 9 है वो आगे आ जाएगा, सीरीज का एडिटर वो आगे आ जाएगा। ठीक है, और अब हम इसकी एडिटर की सीरीज एंट्री क्रॉस एंट्री बना देते हैं। क्रॉस रेफरेंस एंट्री बोलते हैं इसको, एडिटर ऑफ सीरीज क्रॉस रेफरेंस एंट्री। अगर आपको कोई सोचा है हो तो वीडियो के अंत में आपको कमेंट बॉक्स दिखाई देगा, वो उसमें आप सुझाव दे सकते हैं। अब हम इसकी एडिटर जो सीरीज का एडिटर है वो देखिए HM, ये क्या नाम है, ऑक्सली, वो हमें बना लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर उसका सरनेम फोन नेम लिखना है, और एडिटर लिखना है, और ये हमारे यहाँ पर जो रहा है टाइटल दिया हुआ है सीरीज के अंदर वो लिख देना है। और यहाँ पर सी आल्सो आएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, जो टाइटल जो सीरीज का एडिटर लिख रहे हैं तो सीरीज का ही टाइटल आएगा। ठीक है, टाइटल आने के बाद में नीचे कॉल नंबर आ जाएगा, और इस तरह हमारा ये क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड पूरा हो जाता है। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हमें इसी से पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अपने दोस्तों को भी बताइए।